Hey guys, welcome to my YouTube channel. आप सब लोग को एक और नई वीडियो पे स्वागत है। तो आज हम लोग एक और नई जर्नी करने वाले हैं। तो आप लोगों को टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखे पता चल ही गया होगा कि कौन से करने वाले, फिर भी चलो एक बार बता देता हूँ। हम लोग आज करने वाले हैं डबल डेकर एक्सप्रेस की जर्नी, जो कि मुंबई सेंट्रल से होके मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक जाएगी। तो चलो गाइस, सिग्नल दे दिए गए हैं, अराइव कर लेते हैं एक हॉर्न बजा के, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। ओपन रेल्स का पता ही है ना आप लोगों को, अगर थोड़ा भी लेट हो गए तो ओपन रेल्स सिग्नल को रेड करने में देरी नहीं लगाता, थोड़ा भी चुक गया तो रेड कर देगा। जैसे आज हमारा डबल डेकर है, प्रीमियम है, हमें प्रायोरिटी दी जाएगी है कि नहीं। यहाँ पे कोई शायद राजधानी या फिर दुरंतो खड़ा हुआ है, वैसे शायद राजधानी है, मैंने जहाँ तक देखा था राजधानी है, सिर्फ लास्ट के दो रेक्स को दुरंतो के लगा दिए हैं। वैसे ओके, तो गाइस चलो अराइव करते हैं। पहले ही 120 का स्पीड दे दिया है, वाह भाई क्या बात है। तो गाइस यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस खड़े होते हुए, ओ न्यू वैप 7 डार्क ब्लू लिवरी के साथ, आप लोगों को पता ही होगा इसका वीडियो हमने डाला था कल ही परसों, शायद परसों ही डाला था। बहुत ही बड़े इंजन है गाइस, मेरे को तो बहुत पसंद है लिवरी, वैप 7 पे ही मतलब न्यू लिवरी दी गई है। वैसे ये पहले दी गई थी तो शायद 3-4 महीने हो गई है, मेरे को ठीक से डेट पता नहीं है। वैसे गाइस आज जो साउंड सिस्टम होने वाले ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आप लोग बहुत सब आज बहुत कुछ चीज़ें हैं लाइक बढ़िया बढ़िया सी है। वैसे हमें आज दी गई है WDP-4P इंजन, EMD इंजन है, देख लो मन भर के देख लो जी भर के, और कुछ दिनों बाद तो EMD हटी जाएंगी, हिस्ट्री बन जाएंगी। हिस्ट्री मतलब आप लोगों को पता ही है पूरी इंडिया की हर तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, सिर्फ कुछ ही लाइक 20% बाकी है, 80% ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। तो जितना देखना है देख लो, फिर दिखेगा जितना प्रोडक्शन जितना ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो सब दिखेंगे, वो भी शंटिंग में, फिर कुछ बूट्स वगैरह खींचने में दिखेंगे, और कुछ ट्रेनों में शायद, कुछ ट्रेनों के साथ, बाकी सबके साथ ओपनिंग कर दिया गया है। बहुत चीज़ें बहुत, जैसे कि दिल्ली टू कर्नाटका में जो चलती थी वहाँ पर भी शायद इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है, वहाँ से भी ओपनिंग कर दिया गया है। तो गाइस हम ऑलमोस्ट अराइव कर डिपार्ट कर चुके हैं स्टेशन से, हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। वैसे गाइस ये रूट आप लोगों को पता ही है, मैंने कल ही इस रूट को कैसे इंस्टॉल करना है वीडियो अपलोड किया था, इंडियन रेल V2 जो मुंबई अहमदाबाद भोपाल अमृतसर न्यू दिल्ली इन सब जगहों को कवर करती है, सूरत जो हाई स्पीड सेक्टर में आती है, हाई स्पीड सेक्शन में आती है ये रूट, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रूट है, फ्रीवेयर में बहुत ही प्यारा रूट है, बहुत अच्छी ग्राफिक्स बनाई है, फ्रीवेयर में इतना सब कुछ दिखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा है यार, कोई जजमेंट ही नहीं होता फ्रीवेयर में वैसे भी। और यहाँ पर कोई लोकल खड़े होते हैं, शायद हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं एक लोकल को। तो गाइस ये इंजन नॉर्मली नहीं दी गई थी, मैंने ऑल्टर की है इंसिस्ट में, नहीं EMD दी गई थी, लेकिन मैंने ये ब्लू लिवरी वाला मैंने खुद डाला। जैसे इंजन है, इंजन किसका है अगर आप लोग पूछना चाहो तो मोनिश पटेल जी का है इंजन, जो कि मैंने अलग से उठा के डाला था। और साउंड्स ट्रैक साउंड्स हो गया विजय कमल जी का, उत्कृष्ट कोर्सेस के साउंड्स को मैंने उठाया है। रूट तो आप लोगों को पता ही है, अर्नब सिन्हा सर का रूट है, एक्टिविटी कार्तिक विनायक सर का है, इनबिल्ट स्टॉक एक्टिविटी है, कहीं पर भी मत ढूंढो। जैसे आज साउंड सिस्टम जो है गाइस बहुत ही बढ़िया है साउंड सिस्टम, आप लोग सुन के इतना मतलब, यहाँ पे कोई WCAM बैक कैम इंजन के साथ गुड्स ट्रेन आते हुए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं चलो।
आप लोग जो मैं कह रहा था साउंड सिस्टम से दीवाना हो जाएगा इस साउंड सिस्टम, एक बार सुन लो बस, बहुत ही बढ़िया। एक बार स्पीड पकड़ने दो, अभी स्पीड नहीं मिला है, लिमिट से 15 किलोमीटर तक मिला है। चलो यहाँ पे कोई वेब कैम, ट्विन वेब कैम के साथ गुड्स ट्रेन आते हुए, ऐसा गुड्स ट्रेन है ये, लोकल ट्रेन की हॉर्न सुनो यार। और यहाँ पे रैग नहीं भी लगी हुई है लास्ट पे, और यहाँ पे कुछ गरीब रात स्टैटिक खड़े होते हुए, लाइक खड़े हुए शायद वॉशिंग के लिए। साउंड सुनो गाइस, मैं 5 मिनट के लिए चुप रहता हूँ, साउंड सुनो आप लोग, इतना बढ़िया साउंड्स है ना, ट्रैक साउंड्स। यहाँ पर कोई लोकल ट्रेन हमें क्रॉस करते हुए, ओके लेफ्ट साइड में लोकल एक खड़ी है, हम जो ओवरटेक कर रहे हैं, राइट साइड में और एक लोकल जा रही है, हाँ मुंबई है, लाइफ लाइन है मुंबई का लोकल ट्रेन तो होगी ना। और यहाँ पर कोई एक और ट्रेन खड़ी हुई है, इसको ओवरटेक करिए क्या, मुंबई लोकल, बहुत बढ़िया है। सेम गाइस, 30 मिनट्स तक जितना होगा उतना करेंगे, उसके बाद उसको लाइव स्ट्रीम में कंप्लीट करेंगे। वैसे ड्यूरेशन शायद 1 आवर का होगा, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का टाइम होगा ड्यूरेशन। और इंटीरियर देखो गाइस, साउंड सुनो यहाँ पे, इंटीरियर साउंड सुने, देखो गियर्स के साउंड सुनो, EMD हाउलिंग का साउंड सुनो, मैं बढ़ाता हूँ धीरे, चुप रह के मैं बढ़ाता हूँ, EMD का साउंड सुनो, ठीक है, हाउलिंग साउंड देखो, साउंड सुनो, कौन से साउंड सुनो, उसी में मज़ा आता है जब लाइक फुल स्पीड से स्टेशन को क्रॉस करते हैं, फिर कोई ट्रेन को ओवरटेक करते हैं, तो भी ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके साथ साथ अगर EMD से फिर चगिंग साउंड हो गया, और कोलोकोस हो गया, उस साउंड के साथ फुल स्पीड के साथ ट्रेन स्टेशन क्रॉस करने में मज़ा ही गुजरा है यार। यहाँ पे कोई ट्रेन, अच्छा हम लोग कुछ कोई ट्रेन को ओवरटेक करे फिर वॉशिंग के लिए करा है, क्या पता। शायद ओवरटेक नहीं, वो इतना दूर है, सेविंग्स में खड़ा है यार, ओवरटेक नहीं होता तो, ओवरटेक होता तो यहीं पर लूप लेन के ऐसे सेव कर देते ना, मेन लेन पर। ट्रैक साउंड सुनो गाइस, वैसे मेरे को एक वक्त में था कि मैं ये जो डबल डेकर एक्सप्रेस सफ़र करूँ, ठीक है, मैं जब थोड़ा लाइक 1-2 ईयर्स बैक, अगर आप लोगों को पता है VS मोनू जी को अगर आप लोग जानते हो, तो ऐसे ट्रेन ब्लॉग्स वाली वीडियो बनाते, ठीक है, तो उनकी वीडियो देख के मैं एक दिन ड्रीम कर रहा था कि हाँ मैं भी एक दिन डबल डेकर एक्सप्रेस से जर्नी करूँगा। तो
रियल में ड्रीम कर रहा था, लेकिन ऐसे गेम में पहले जर्नी करूँगा ये पता नहीं था। तो क्या क्या होता है देखो, देख सकते हो आप लोग। पहले गेम में जर्नी करूँगा, उसके बाद रियल में होगा ये पता नहीं था। पहले गेम में कर रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। और ऐसे वीएस मोनो जी का ब्लॉग अच्छे लगते हैं मेरे को, मैं देखता हूँ उनके ब्लॉग्स। भाई 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 यार, ये 7 बजे के स्टेशन स्किप करने का मज़ा ही कुछ आ रहा है यार। यहाँ पे देखो कोई लोकल क्रॉस करते हुए, आज तो मुंबई लोकल रहेगी जब तक हम लोग वलसाड स्टेशन शायद क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक तो मुंबई लोकल्स दिखी ज़्यादा से ज़्यादा दिखी जाएंगी। ये इंजन के अंदर साउंड सुना गाइस, कितना बढ़िया साउंड है। इसे दो ही सिग्नल क्लियर हो रहा है, 3 नंबर सिग्नल अभी भी रेड है। को इंटीरियर दिखाता हूँ डबल डेकर का। इंटीरियर ओके है, ठीक है। प्रीवियर में ये शायद ऊपर वाला अपर डेक है, ये मिडिल डेक है और ये लोअर डेक। वैसे गाइस कमेंट में बताना आप लोगों को कहाँ पे अच्छा लगता है डबल डेकर में, या लोअर डेक, मिडिल डेक और अपर डेक। मेरे को तो लोअर डेक अच्छा लगता है। अपर डेक में क्या है यार, लोअर डेक में व्हील्स के नीचे इंजन सब ट्रेन के नीचे वगैरह देख सकते हैं, अपर डेक में ऊपर देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। वैसे लोअर डेक में अच्छा होगा, कहाँ पे सेट करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे सेट करूँ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। यहाँ पे रखो या फिर यहाँ पे रखो कैमरा एंगल। ऊपर 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 आ गया अपर डेक, यहाँ यहाँ रखते हैं। चलो अपर डेक है, लोअर लोअर डेक है, लोअर डेक है गाइस, अपर डेक नहीं। स्पीड 100 किलोमीटर अभी हमें मैक्सिमम स्पीड नहीं दिया है, तब मैक्सिमम स्पीड जब मिलेगा ना तब देखना गाइस। और लेफ्ट साइड में कोई लोकल क्रॉस करते हुए जब मैक्सिमम स्पीड मिलेगा ना तब देखना गाइस। CMD की हॉलिंग, वो पावर जो पावर हॉलिंग होती है ना, पावर लेने का साउंड बहुत ही बढ़िया होती है। कहाँ कैमरा एंगल रखो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, जगह अच्छा है। यार गोल गोल घूम रहा इधर से उधर, वहीं पर आ जाते हैं घूम फिर के, वही बाहर के डोर के व्यू पे आ जाते हैं। चलो वहीं पर आ गया, कोई बात नहीं। हम साउंड हॉर्न सुनो गाइस लोकल की, ऑलमोस्ट सिमिलर टू वैस्को राइट। इसे गाइस अगला जर्नी आप लोगों को किस तरीके से लोकल रूट या फिर राइट राजस्थान रूट या फिर तमिलनाडु रूट या फिर NFR रूट, कमेंट करके बताना गाइस कौन से रूट पे नेक्स्ट स्पीड आप लोगों को नेक्स्ट जर्नी शेयर वगैरह चाहिए। मैं सोच रहा हूँ वेस्टर्न डे रूट पर, लेकिन वेस्टर्न डे ऑलमोस्ट सिमिलर है इस रूट के, मतलब प्लेसेस की बात कर रहा हूँ, सिमिलर मतलब प्लेसेस अहमदाबाद मुंबई वगैरह उसके लिए देखते हैं। ठीक है सर, आप लोग जिस पर ज़्यादा कमेंट आए उस पर करूँगा। वैसे हाँ
इंस्टाग्राम में जो पोल डाला था मैंने, लाइक तीन पोल डाली थी कि अगला जर्नी किस पे चाहिए, तो पोल की ऑप्शंस ये थी, एक डबल डेकर जर्नी मुंबई अहमदाबाद का एंड और एक शताब्दी न्यू दिल्ली भोपाल का, और एक शताब्दी एक्सप्रेस जो न्यू दिल्ली अमृतसर का। तो आप लोग मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट 100 लोगों ने वोट कर दिया, 175 फॉलोअर्स तो मेरे 100 लोगों ने वोट किया। तो 100 लोगों में से ऑलमोस्ट 70 लोगों ने डबल डेकर वोट किया है। मैं बाद में स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप लोग देख लेंगे इंस्टाग्राम में जाके, 70 लोगों ने डबल डेकर वोट किया है, बाकी 30 लोगों ने उन दोनों को किया है, भोपाल शताब्दी और अमृतसर शताब्दी। मतलब वो भी हाँ, जल्दी वंदे भारत में भी करेंगे। वैसे नवंबर 10 तारीख को शायद मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस रिलीज हो रही है, लॉन्च हो रही है, उस पर करेंगे गाइस। क्या क्या कहते हैं आप लोग, जनता क्या कहती है, उस पर करें, फिर अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ फोर्थ डबल वंदे भारत उस पर चाहिए। देखो आप लोग को किस पर चाहिए, यहाँ पे कोई एक ट्रेन क्रॉस करते हुए है ना, कौन सा देखते हैं। अरे ये भी लोकल है, वैसे हमारा पहला स्टॉप है शायद सिल्क सिटी सूरत, अब तक तो कोई स्टॉप नहीं है, 3 मिनट ट्रेन है हमारा, आराम से स्किप करते करते जाते रहो, हॉर्न बजाते 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 रहो, हर एक की ओवरटेक करते रहो। अभी तो ओवरटेक कर रहे हैं, जब पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे तब हमारे ओवरटेक होने वाले, तब हमारा लगने वाला है, अभी तो कोई ना कोई कर लो जितना से, ऐसा बोल रहा होगा हमारा ट्रेन सिमुलेटर या फिर पैसेंजर ट्रेन, जितना करना है ओवरटेक कर लो, जब मेरे को चलाने की बारी आएगी तब तुम्हें ओवरटेक मिलेगा। स्पीड नहीं दिया जा रहा, भैंस की पूछ पता नहीं हमें, और रोक ना दे भाई, 50 की स्पीड है, ऊपर जहाँ पर सिग्नल दिख रहा है 3 नंबर वाला सिग्नल, अगर 3 नंबर वाले पे ग्रीन हो जाता ना तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ हम फुल स्पीड से जा सकते हैं, 120 के आसपास भी, दो ही हमें ग्रीन मिल रहा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, 120 नहीं दे सकते, सडन ब्रेक मारना पड़ेगा। हाँ वैसे मार ब्रेक्स तो बहुत अच्छे हैं EMD के, बहुत अच्छे से लग जाएंगे, पावरफुल ब्रेक्स हैं, यहाँ पर कोई ट्रेन क्रॉस करते हुए आदि BCT कर्णावती एक्सप्रेस, BCT हो गया कौन सा है रे, एक कौन से स्टेशन का पता नहीं यार, अगर आप लोगों को पता है तो बताना कमेंट में, कमेंट कर देना गाइस। सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्या कर रहे हैं यार तुम लोग, जैसे जो सब्सक्राइब करो वीडियो को देखते, मेरे 99.99% जनता बिना सब्सक्राइब करके व्यूज ला रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रही है, क्यों भाई क्या हो गया ऐसा, सब्सक्राइब करो, के राइट में भी एक क्रॉसिंग, लेफ्ट में भी एक क्रॉसिंग, चलो देखते हैं चला गया हो दिखाने पर। गोरेगाँव को हम लोग अब स्किप करेंगे, वैसे गाइस किस किस को पता है गोरेगाँव बताना, मेरे को गोरेगाँव पता नहीं है लेकिन क्यों पता है बताता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप लोग सारंग मेला देखते हो तो पता ही होगा, वहाँ पर इतना बार मतलब गोरेगाँव का नाम ले चुके हैं, फिल्म सिटी गोरेगाँव, गोकुलधाम, तो उस चीज़ से मेरे को गोरेगाँव पता चल गया बस, और कुछ नहीं, वही गोरेगाँव है क्या, कमेंट करके बताना अगर आप लोग जेठालाल देखते हो तो, अरे मेटा गोल्डा चश्मा
फुल स्पीड मिले उसकी वेट कर रहा हूँ। लोग 120 की लिमिट 100 में रोक दिया भाई, थोड़ी तो कदर करो यार प्रीमियम ट्रेन्स की। मैं जब जब प्रीमियम ट्रेन चलाता हूँ कुछ ना कुछ तो होता है यही इस ओपन रेल्स में। जैसे कि अगले पिछले हफ्ते में कौन सा वो हाँ गरीब रथ एक्सप्रेस को चला रहा था भाई साहब, क्या इस सिग्नल के ऊपर सिग्नल लगा के इधर उधर रोक दिया भाई। तो राजवान आज भी वही हालत है, लेकिन आज रोका नहीं है फिर भी 100 सही है, मतलब फिर भी 120 अगर मिल जाए तो ना बहुत बढ़िया होता है। लोकल की तो लाइन लगी है सही में गाइस, कमेंट करके बताना ये चीज़ कि सही में मुंबई में ये दो दो मिनट में लोकल आती रहती है, आती जाती रहती है हर एक स्टेशन में, मतलब दो दो मिनट्स में लोकल आती जाती रहती है। मेरे को जहाँ तक पता है आती है वो पता है, लेकिन दो दो मिनट ऐसे एक एक मिनट में के बीच वो पता नहीं है मेरे को वो चीज़। इंटीरियर देखो कितना अच्छा बना है मनीष पटेल जी ने। पहले से सुनाऊंगा ठीक है। बस स्पीड लिमिट में मैं दे नहीं पा रहा हूँ पूरा स्पीड लिमिट, क्योंकि मेरे को डर है कि कभी सडनली ये लोग रेड कर देंगे, क्योंकि मेरे को तीन सिग्नल ग्रीन नहीं मिल रहा है, वो एक्स्ट्रा लिमिट से क्रॉस नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा लिमिट में हम लोग जा सकते हैं बेटे, जब स्पीड मिल जाती है तब हमें मतलब अलर्ट रहना पड़ता है कि अगला से मतलब रिसेंट सिग्नल आने वाला है रेड। नॉर्मली अगर दो सिग्नल जीने को जा सकते मतलब 100 अगर मिनट गया जैसे स्पीड लिमिट अगर फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब अच्छे से ट्रैक को फील कर पाओगे, मतलब जर्नी का रियलिस्टिक लगेगा आपको। वॉशिंग मशीन आएगा नहीं गेम पर, मैं गेम पर बोल रहा हूँ गेम में फिर कर मत जाना भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें मैं चुप रहता हूँ। गेम भी की हॉलिंग सुन सुन हाँ गाइस 120 की लिमिट आ रही है, रेडी रहो, होलिंग होलिंग फुल स्पीड से जाएंगे। फुल स्पीड यहाँ पर गेम में दे सकते हो बिना फॉलो करे हुए, लेकिन रियल लाइफ में मत करना फिर जुर्माना हो जाएगा ठीक है, जुर्माना होना क्या एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। अगर गेम में स्पीड लिमिट फॉलो करोगे तो रियलिस्टिक वाला फीलिंग आएगा और कुछ नहीं,
फुल स्पीड दे क्या फायदा, मतलब बिना लिमिट को फॉलो करें तो ऐसा मज़ा नहीं आता। पर भावानंदर स्टेशन हम लोग क्रॉस करते हुए आई मीन स्किप करते हुए साउंड सुन रहा है, ट्रैक साउंड ये हुई ना बात।